नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी इवन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों मैं जो मैच कवर करने वाले हैं लेजेंड क्रिकेट T20 का चौथा मैच है जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा INM से ASL टीम्स के बीच डिप्लेसेस करेंगे। इस वीडियो में फुल स्टेट्स पर इन्फो, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टैट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच के लिए टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक करके शुरुआत करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैच का जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, फाइनल टीम मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से आकर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। क्लिक करके तुरंत आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों बात करें मैच की, तो मैच रात में 8 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है अल अमृत क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं एक विकेट की, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, किसी भी बॉलर्स के लिए कोई भी मदद नहीं है दोस्तों। खासकर जो टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो उसके दोस्तों पेसर्स को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, डेथ ओवर्स में आके वो लोग विकेट निकाल ले रहे हैं, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ सबकी कुटाई हो रही, धुनाई हो रही, लगातार सिर्फ पिटाई हो रही। तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट है, और स्पेशली जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही सारे मैच जीत रही। इस टूर्नामेंट में टोटल 3 गेम खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट एक भी मैच नहीं जीत पाई है, बैटिंग सेकंड ने 3 मैच जीते हुए हैं। इवन 2 मैच में तो बैटिंग फर्स्ट ने 200 प्लस का स्कोर किया, वो भी आसानी से चेंज डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लास्ट यहाँ का हाई स्टोर 210 रन WOG है, यानी वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने इंडियन लेजेंड्स को हराया हुआ था। 209 रन के आसपास इंडिया की टीम ने बनाया हुआ था, जब में 210 रन ईजिली बना लिए वर्ल्ड जायंट्स ने 7 विकेट गिरने के बावजूद। तो मतलब सीधे सीधा ये भाई चेजिंग आसान है यहाँ पर, और यहाँ पर 209 रन भी यहाँ पर सुरक्षित स्कोर नहीं है। यदि यहाँ पर जीतना है तो 20 ओवर में 250, यदि बैटिंग फर्स्ट को जीतना है तो 20 ओवर में कम से कम 250 रन बनाने होंगे, तभी वो मैच जीत पाएंगे, अदरवाइज बैटिंग सेकेंड ले जाएगी। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करे उसके टॉप 4 में से या टॉप 5 में से किसी को नहीं छोड़ेगा, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके भी बैट्समैन को टॉप ऑर्डर को उतनी ही तवज्जो देनी है। स्टार्ट कर रहे हैं पहले इंडियन महाराजा टीम से। INM के 2 मैच हुए हैं, 1 मैच में जीत हासिल हुआ है और 1 मैच में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नमन ओझा और वसीम जाफर। बात करें दोस्तों नमन ओझा की, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बैट्समैन नहीं है, लेकिन बैटिंग विकेट होने की वजह से इनके बॉल इनके बैट पर लगने के बावजूद भी बाउंड्री के बाहर ही जाती है। लास्ट गेम में 140 रन का स्कोर किया, शतक जड़ दिया, उसके पहले 20 किए थे। हालांकि इस तरह से पहले जो भी ने लास्ट 5 मैच अपने करियर के खेले थे वहाँ पर सिर्फ 12 रन का योगदान दिया था, काफ़ी इंप्रूवमेंट किया हुआ। ज़्यादा एजेड प्लेयर नहीं है, यंग है, अभी उतना एजेड दिखते भी नहीं, इस वजह से इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, और उसी इनकी फिटनेस भी सही है, इस वजह से थोड़ा बैटिंग विकेट होने के हिसाब से अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कीपिंग भी करेंगे। आप अपनी टीम मेजर प्लेयर लीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अभी भी मैं इनको सजेस्ट नहीं करूंगा। वसीम जाफर की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच पे 0 पे गए, कमेंट्री वगैरह ज़्यादा करते हैं, अभी काफ़ी टाइम से भी क्रिकेट खेले नहीं है, हालांकि ओपन कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी इनके पास है भाई। ओपनिंग जो बल्लेबाज आ रहा है छोड़ेगी अगर नहीं, 0 पे जरूर गए लास्ट मैच में, फिर भी कहूँगा छोड़ने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। कोई भी बैटिंग इतना अच्छा विकेट बैटिंग के लिए है कि कोई भी ऐरा गहरा बैट्समैन भी आकर रन बना सकता है, इस चीज़ को भी अपने ध्यान रखना है। तो किसी भी बैट्समैन को नहीं छोड़ेगा। बद्रीनाथ जैसे प्लेयर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लास्ट के 2 मैच लगातार 2-0 लगे हुए हैं, लेकिन कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इनको भी छोड़ने में आजकल डर लगने लगा है भाई, 2 मैच से 2-0 पे गए, 3रे में कहीं शतक न मार दे, देख सकते हैं भाई बहुत लोग यहाँ पे शतक मार रहे हैं, हर मैच में 1-2 सेंचुरी लग रही है यहाँ पे। बात करें दोस्तों मोहम्मद कैफ की, कैप्टन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, ये अपने ऐसे भी खेल रहे हैं जैसे स्लो विकेट के हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं। रन बॉल बनाते हैं, पहले मैच में 9 आउट 42, दूसरे मैच में 9 आउट 53, 53 रन बनाते 47 गेंद में, 42 रन बनाए थे 45-46 गेंद में। तो मतलब यार बहुत स्लो खेलता है, लग रहा है इसके लिए स्लो विकेट हो गया है और सबके लिए बैटिंग विकेट होता है। यदि ये ताबड़तोड़ खेले तो इंडिया जिस हिसाब से नमन ओझा वगैरह सब लोग खेल रहे थे, यदि लास्ट मैच में इंडिया ने ये खास के कैप ने ताबड़तोड़ इनिंग खेली होती तो इन्हें 250 बना देता, लेकिन वैसे ही ये कैप को अपनी टीम में ले सकते हैं, कैप्टन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करता है, अब तक टूर्नामेंट में आउट नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी बेनिफिट है, इसको मिल सकता है। लास्ट मैच में 9 आउट 53 किया। नीचे देखेंगे यूसुफ पठान, पहले गेम में 80 किए थे, टॉप ऑर्डर के विकेट थोड़ा सा जल्दी गिर गए थे, बैटिंग आ गया था, लास्ट गेम में 6 रन बनाए और 6 रन पता है कितने बॉल बनाए थे, 1 बॉल पे, लास्ट बॉल खेलने को मिली थी वहाँ पे छक्का मार दिया था। तो मतलब सीधे सीधे समझ सकते हैं भाई पठान तो पठान ही है, पठान ब्रदर्स ने पहले मैच में इंडिया को जीत भी दिलाई थी। तो बस इनके साथ यही है कि जिसकी भी बैटिंग आएगी आओ बल्ला भांजो रन बनाओ और जाओ। नीचे देखेंगे हेमांग बदानी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 3 ओवर डाले, विकेट लेस रहे, लेकिन अभी इन्होंने लास्ट मैच अपना 2017 में खेला था, 2013 में खेला था सीरीज से पहले, 9 साल बाद बंदा क्रिकेट खेल रहा, वहाँ पे 4 गेम के अंदर 149 किए थे, पहले मैच में बैटिंग नहीं थी, लास्ट मैच में 3 ओवर डाले। तो कभी कभार बॉलिंग कर लेता है, GL में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगे, वेणुगोपाल राव ठीक ठाक चॉइस रहेंगे।
लास्ट गेम में 2-1-3 वगैरह के भी करने वाला, उसके बाद जीरो भी करता। जीएल ट्राई कर लीजिए, स्टुअर्ट भी नहीं पहले मैच ओपन आए थे, लेकिन अभी वसीम जाफर आ गए हैं जो कि अपने जमाने में कभी कभी ओपन किया करते थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली बिन्नी को नीचे ही खेलना चाहिए। लास्ट गेम में भी 2 विकेट निकाले, पहले भी 1 विकेट लिया हुआ, तो रोटेशन में जीएल में आप जरूर ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग भी चाहें तो लिए सकते हैं। नीचे देखेंगे मनप्रीत गोनी, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, लास्ट गेम में 1 विकेट, उसके पहले 3 विकेट, टोटल 4 विकेट ले चुके हैं, मस्ट हैव पिक रहेगा स्पेशली बॉल फर्स्ट। नीचे देखेंगे आरपी सिंह, सिर्फ जीएल ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग बहुत रिस्की रहेंगे। लास्ट गेम में 1 ओवर डाला लेकिन बहुत कम ओवर कट हुआ, लेकिन अपने जमाने में बहुत अच्छे बॉलर हुआ करते हैं। यहाँ पे 1 ओवर डाला था लेकिन उसमें सिर्फ इन्होंने 2 रन ही दिए थे, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इतने अच्छे विकेट पे जहाँ पे छक्के चौके बल्लेबाज बॉलर्स खा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 2 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग होती है, लेकिन पता नहीं फिर इनको बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। तो जीएल में ही स्मॉल लीग बहुत रिस्की रहेंगे। मुन्ना पटेल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं और बीच बीच में क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, और रोड सेफ्टी भी लास्ट सीजन अच्छा किया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो इंपॉर्टेंट वही सब कुछ है यहाँ पे। इनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, बैटिंग फर्स्ट करे सेकंड करे यहाँ तक, ये 5 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप 5 में से एटलीस्ट इंडिया बैट फर्स्ट करे बैट सेकंड करे, एटलीस्ट 4 अपनी टीम में जरूर रखें। और यदि बॉलर गेम इनकी बात करें तो इनके 2 बॉलर आप जरूर ट्राई करिएगा स्मॉल लीग पे, एक तो मुनाफ पटेल, दूसरा स्टोर बननी या कोनी में से कोई एक। बाकी इनके बॉलर की बात करें तो ये 3 बॉलर इनके इंपॉर्टेंट है, 4-5 ऊपर के बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, इंडिया के 8 प्लेयर इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नहीं इंपॉर्टेंट 3 प्लेयर वो ऐसे वेणुगोपाल राव, हेमंत बदानी और यहाँ से आरपी सिंह, स्मॉल लीग में 3 हो गए, प्लस ऊपर 1 प्लेयर चौथा जफर भी कुछ खास नहीं रहेंगे, लेकिन छोड़ने में इनको बहुत रिस्क रहेगा। ओपन कर रहे हैं, मैंने बताया ना आयरा गैरा बल्लेबाज भी है कि ओपनिंग में रन बना दे रहा है, इतना अच्छा विकेट है, वहाँ पे चहल भी पहुँच जाए तो छक्के मार देगा। बात करते हैं तो हम एशिया लाइंस की, लेकिन एक बार फिर बता दूँ फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, क्लिक करिए तुरंत आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। और देखते आप क्या बताऊँ, 35,000 से प्लस लोगों की फैमिली का अपना चैनल सस्पेंड हो गया और जबान से भी वही बार बार निकल रहा है, तो न्यू टेलीग्राम चैनल है अब, वही हमारा मतलब मेन चैनल ही रहेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, जल्दी से आकर जुड़ जाओ, फायदा उठाओ, सब लोग उठा रहे हैं, धमाकेदार मैसेज जा रहे हैं, आप क्यों पीछे हो। एशिया लाइन्स की बात करें दोस्तों, 2 मैच हुए, 1 मैच में जीत हासिल के बाद 1 मैच में हार का भी सामना करना पड़ा है। और इनकी तरफ से ओपनिंग करते दिखेंगे तिलक रत्न, दिलशान वैसे कामरान अकमल। दिलशान की बात करें, पहले मैच में 5 रन पर ही गए थे लेकिन दूसरे मैच में 50 जड़ दिए, 4 बॉल डाली, विकेट लेने में सफल रहे, इंपॉर्टेंट चॉइस रहेंगे। पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं लेकिन अभी खेल रहे हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, अपने ज़माने के बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे रन बनाते थे, बहुत ओपनिंग करते थे, लेकिन अभी भी इस टीम में अच्छा कर रहे हैं, जरूर ट्राई करेगा। अकमल की बात करें, करंट में PSL वगैरह खेलते रहते हैं पाकिस्तान के लिए, लास्ट गेम में 14 रन का स्कोर किया, उसके बल्ले 25, कभी भी लंबी इनिंग खेल सकते हैं, आज मुझे इनके बल्ले से कोई बड़ी इनिंग निकलती नजर आ रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कामरान अकमल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। नीचे देखें उपल तरंगा, 2 मैच से लगातार स्कोर कर रहे हैं, 63 और 66, मस्ट हैव पिक करेंगे, जरूर ट्राई करिएगा, इन फॉर्म प्लेयर है इस टूर्नामेंट के लिए। हालांकि इससे पहले LPM में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, CBC के बढ़िया दावेदार रहेंगे। नीचे देखेंगे मोहम्मद हाफिज, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलर, 3 से 4 ओवर की बॉलिंग कराएंगे, लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, उसके पहले 2 पे 0 और यहाँ पे 27 का और 16 का स्कोर किया, ये भी आज कुछ बड़ा कर सकते हैं, जरूर ट्राई करिएगा। असगर अफगान रिसेंट में उन्होंने अभी इंटरनेशनल से संन्यास लिया हुआ है, लास्ट गेम में 14 किए, जेल ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्क करेंगे। मिसबा 44 और 19 का स्कोर जरूर किया हुआ है, बैट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैट सेकंड में हो सकता है ज़्यादा बैटिंग ना है, लेकिन बैटिंग आएगी तो भाई अब इतने बूढ़े हो गए हैं, इनकी दाढ़ी वाली एकदम हिलने लगी है, लेकिन अभी भी भाई 44 19 ताबड़तोड़ छक्के भी मार रहा है, पता नहीं किस हिसाब के बल्ले इनके बनाए गए हैं, किस हिसाब के विकेट है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, 200 रन, इतने बूढ़े प्लेयर हैं और हर बार मतलब 200 है स्कोर बन रहा है, समझ के बाहर है, मेरे पास मेरे हिसाब में विकेट मेरे समझ के बाहर हो रही है। अजहर महमूद की बात करें, डेथ में डाले थे पहले मैच में, दूसरे मैच में भी बॉलिंग करी हुई थी ठीक ठाक, जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। उमर गुल के पता नहीं ये ओवर क्यों कट कर रहे हैं, इसके पहले मैच में 2 ओवर, लास्ट मैच में 1.2 ओवर डलवाए, रिसेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेल, मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको संन्यास लिए, अभी तक PSL वगैरह खेल रहे थे 2 साल पहले, तो ये मतलब अच्छे अभी रिदम में हो सकता है, तो इसको ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, और जो उनकी टीम के बुढ़े खिलाड़ी उनसे बॉल डलवा रहे हैं। देखिए नीचे देखेंगे नुमान कुलशेखरा, और यहाँ पे देखें कुलशेखरा की दोस्तों बात कर लें, लास्ट गेम में 4 ओवर 2 विकेट, उसके पहले 4 पे 0, अच्छी चॉइस रहेगी, करंट में क्रिकेट से एक्टिव थे, खेल रहे थे, रिसेंटली श्रीलंका के लिए संन्यास लिया हुआ, तो आपने इनको भी अपनी टीम में रख के चलना है, स्पेशली बॉल फर्स्ट। लास्ट गेम में 1 मिडन भी उन्होंने डाला हुआ था, ऐसे विकेट पर जितना ज़्यादा बैटिंग के अनुकूल है वहाँ पर भी मिडन डाल के जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं बढ़िया क्वालिटी बॉलर है, जरूर ट्राई करिए। चमंडावास बहुत एजेड हो चुके हैं, अब इनके बस की बात नहीं, क्रिकेट खेलना छोड़ दीजिएगा, लास्ट में मिले 1 विकेट में बहुत पिटाई हुई थी इनकी। मुथैया मुरलीधरन की बात करें, 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट ले पाए, अपने ज़माने के बहुत बड़े दिग्गज स्पिनर हुआ करते थे, लेकिन अभी तो खत्म, बेंच पे कुछ प्लेयर दिख रहे हैं जिनमें से कोई खेलता है, तो स्टैट्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है एशिया लाइन्स का, एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 मोस्ट प्रॉब्ली यही रहना चाहिए, फिर भी यदि कोई भी अपडेट होंगे, कोई भी नया प्लेयर स्क्वाड से लाइनअप में जुड़ेगा, लिंक मिलेगा नहीं,
स्क्वाड से लाइनअप में जुड़ेगा तो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे उसका अपडेट। इस मैच की फाइनल ड्रीम 11 टीम जिस टीम से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करके जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अब बात करेंगे दोस्तों हम फैंटेसी टीम की, क्या रहने वाली फैंटेसी टीम, इसे आप सबसे बड़े फैंटेसी प्लेटफॉर्म के वहाँ भी यूज कर सकते हो, उस एप्लीकेशन का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा और उस एप्लीकेशन में अभी यदि आप खेलते हो तो आप जरूर इसी टीम को यूज कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से इस टीम में कोई भी आप चेंजेस कर सकते हो, अदर चॉइस में आपको चेंजेस बता दूंगा और वीडियो के हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं जिस फैंटेसी ऐप में खेलता हूँ उसका लिंक तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो आप वहाँ भी खेल सकते हो टेलीग्राम पे जाके लिंक से डाउनलोड करके, और यदि आपको चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा फैंटेसी टीम क्या है देख लेते हैं। विकेट कीपिंग से मैं नवन हो जाए कामरान अकमल दोनों के साथ जा रहा हूँ। इस मैच में मेरा कामरान ट्रंप रहने वाला है, मैंने बताया इसको मैं सीबीसी भी आफ्टर टॉस ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मोहम्मद कैफ को बैटिंग से लिया हुआ, वसीम जाफर लास्ट मैच में जीरो में गया था भाई, रिसेंट में भी कमेंट्री वगैरह कर रहा है, लेकिन ये आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया, ये रिसेंट में कमेंट्री तो कर रहा है लेकिन ओपन कर रहा है, और जिस हिसाब का बैटिंग विकेट है यहाँ पे 209 रन भी सेफ नहीं था इंडिया का लास्ट मैच में, तो यहाँ पे भाई कोई भी आके रन बना सकता है, तो वसीम हो सकता है वसीम जाफर ही अच्छा जाए, इसलिए मैं किसी भी ओपनर को नहीं छोड़ना चाहता किसी टीम के, ओपनर से मुझे बहुत डर लगता है, पता चलो मार दे पावर प्ले में, क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग करना बहुत आसान होता है। यहाँ मैंने उफुल तरंगा को लिया, तो तीन प्लेयर है मेरे यहाँ से बैटिंग सेक्शन से, दो मैंने कीपर लिए नमन ओझा कामरान अकमल, ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने यूसुफ पठान मोहम्मद हफीज दिलशान को लिया हुआ, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग से मैंने तीन बॉलर लिए हुए हैं, मनप्रीत गोनी, मुनाफ पटेल और यहाँ से नुआन कुलशेखरा। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, मेरे कैप्टन मोहम्मद हफीज, वाइस कैप्टन दिलशान है, तो मतलब हफीज बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, टू राउंड बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करके जाएंगे अच्छी खासी, वन डाउन हो सकता है बैटिंग करने आ जाए, वन डाउन तो तिरंगा आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, टू राउंड हफीज बैटिंग करेंगे प्लस बॉलिंग करेंगे, दिलशान को मैंने वीसी किया हुआ ओपन करेंगे। अब दोस्तों सी वीसी आप जो ट्राई कर सकते हो, कैप को ट्राई कर सकते हो, टू राउंड खेलेगा लेकिन क्या पता भाई इंडिया को ओपनर ही बहुत देर तक खेल जाए, कैप लेकिन स्लो स्लो खेलेगा स्लो विकेट के हिसाब से, तो इसको भी यूज कर सकते हो, आउट नहीं हुआ अब तक, और यहाँ से उफुल तरंगा को ट्राई कर सकते हो, सी बी सी उसके कामरान को सी बी सी ग्रुप में जरूर ट्राई करेगा। अदर प्लेयर्स जो आप रोटेट कर सकते हो, स्टुअर्ट विन्नी चार ओवर डालेंगे रोटेट करिएगा, अजहर महमूद तीन चार ओवर लगातार करा रहे हैं, तो यदि पाकिस्तान मतलब एशिया का पहले बॉल फर्स्ट होता है एशिया लाइन्स का, तो महमूद को रोटेशन में रख सकते हैं। मुथैया मुरलीधरन बहुत दिग्गज स्पिनर, इनको भी जेल में सी बी सी में रोटेट करिएगा। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों टीमों का, और अब बात करते हैं फाइनल टीम हमारा कहाँ पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम से भी आपने जल्दी से जुड़ना है, लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करके तुरंत आपने ज्वाइन हो जाना है, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक करके ही जाना दोस्त, बहुत अच्छी भी नहीं हुई हमारी, कल भी बहुत हुई आज भी अच्छी करेंगे, तो लाइक कर देना, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे लाइक करोगे तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ कमेंट में करके बताओ कैसा लगा वीडियो, थोड़ा सा अलग अंदाज में बनाया है तो उसकी बताओ कुछ कैसा लगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।